एक इंडियन कॉमेडियन और एक्टर वीर दास ने विदेश में भारत देश को लेकर कुछ ऐसा बोला कि विवाद हो गया। विवाद भी कोई छोटा मोटा नहीं, आरोप लगे हैं देशद्रोह के, जिसके चलते अब देश भर में कई जगह पर उन पर मामले दर्ज हो चुके हैं और ये विवाद है कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। वीर दास को लोग अक्सर पाकिस्तान जाने की सलाह देते हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि ये पहली बार बिल्कुल नहीं है जब इस कॉमेडियन का एक्टर ने कोई विवादित बयान दिया हो। इससे पहले भी ये कई तरह के विवादों में रह चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इन्होंने डॉक्टर अब्दुल कलाम के लिए भी एक विवादित टिप्पणी की थी। आखिर कौन है ये कॉमेडियन जिसकी एक कविता पर देश में बवाल हो गया है, जानेंगे सब इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूँ कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक। सबसे पहले हम आपको वीर दास की टू इंडियाज नाम की वो विवादित कविता सुनाते हैं जिसे उन्होंने अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में एक स्टेज शो के दौरान सुनाया। उनकी कविता की कुछ लाइनें इस तरह हैं। मैं उस भारत से आता हूं जहां हम दिन में औरतों की पूजा करते हैं और रात में गैंगरेप करते हैं। मैं उस भारत से आता हूं जहां हम वेजिटेरियन होने में गर्व महसूस करते हैं, लेकिन उन्हीं किसानों को कुचल देते हैं जो ये सब्जियां उगाते हैं। वीर दास ने अपनी कविता का एक वीडियो सेगमेंट अपने यूट्यूब अकाउंट पर भी शेयर किया, जो बड़ी ही तेजी से वायरल हो गया। वीडियो वायरल होने के बाद उन्हें देश विरोधी कहा जा रहा है। इससे पहले भी कई बार वो विवादों में घिर चुके हैं। रिपोर्ट्स की माने तो दिल्ली में अपने एक स्टैंड अप शो के दौरान वीर दास ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम के बारे में भी टिप्पणी की थी, जिसके चलते उन्हें बीच में ही रोक दिया गया और उन पर ऑडियंस में से कई लोगों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। अब उनको लेकर इतना विवाद हो ही रहा है, तो आइए जानते हैं कौन है वीर दास। 42 साल के वीर दास एक स्टैंड अप कॉमेडियन और एक एक्टर है जो ज्यादातर इंग्लिश में ही कॉमेडी करते हैं। एक कॉमेडियन के तौर पर वो दुनिया भर में जाने जाते हैं। कॉमेडियन होने के साथ साथ वीर दास एक एक्टर भी हैं। वीर दास का जन्म उत्तराखंड के देहरादून में 31 मई 1979 को हुआ था। हालांकि रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी अपब्रिंगिंग नाइजीरिया में हुई। उन्होंने नाइजीरिया के लागोस में इंडियन लैंग्वेज स्कूल के साथ साथ द लॉरेंस स्कूल में भी पढ़ाई की। उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स और एक्टिंग में की है। उन्होंने यूएस से भी पढ़ाई की। कहते हैं बचपन से ही वीर दास बिल कॉस्बी की एल्बम देखा करते थे, जिससे उनका इंटरेस्ट स्टैंड अप कॉमेडी में डेवलप हुआ। बात करें इनकी पर्सनल लाइफ की तो 42 साल के वीर दास ने 2014 में अपनी गर्लफ्रेंड शिवानी माथुर से शादी की। ये शादी श्रीलंका में चुनिंदा लोगों की मौजूदगी में हुई थी। इनके करियर की बात करें तो वीर दास ने यूएस में स्टैंड अप कॉमेडियन के रूप में शुरुआत की थी। इंडिया आने पर उन्होंने हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली में भी परफॉर्म किया। इसके बाद भारत में उन्हें कई शोज में काम करने का मौका मिला। फिल्मों में वीर दास ने साल 2007 में आई फिल्म नमस्ते लंदन से डेब्यू किया था। उन्होंने गो गोवा गॉन, बदमाश कंपनी, रिवॉल्वर रानी और डेली बेली जैसी फिल्मों में भी काम किया। हालांकि वीर अपनी कॉमेडी या फिल्मों की वजह से नहीं बल्कि अपने विवादों को लेकर ज्यादा चर्चा में रहते हैं। लोग आए दिन उन्हें पाकिस्तान जाने तक की सलाह दे डालते हैं। आपको बता दें कि वीर दास नेटफ्लिक्स के कॉमेडी स्पेशल अब्रॉड अंडरस्टैंडिंग को साइन करने वाले पहले इंडियन है। तो वहीं अब एक बार फिर अपनी कविता टू इंडियाज में अपने बयानों को लेकर मुश्किलों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं वीर दास। हालांकि उन्होंने इस मामले पर अपनी सफाई भी दी है। वीर दास ने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि उनका इरादा देश का अपमान करने का नहीं था, बल्कि उनका इरादा ये याद दिलाने का था कि देश अपने तमाम मुद्दों के बाद भी महान है। बता दें कि वीर दास को इंटरनेशनल लेवल पर काफी पॉपुलैरिटी हासिल है। ऐसे में वो क्या कहते हैं, क्या करते हैं, इसका असर एक बड़े तबके पर जरूर पड़ता है। याद दिला दें, न्यूज तक है बिल्कुल नए अंदाज में। सिर्फ रंग रूप बदला है लेकिन तेवर अभी भी वही है। तो हमेशा की तरह आप हम पर अपना प्यार बरसाते रहें और हम आपके सुझाव जानने के लिए बिल्कुल बेकरार हैं। तो हमें कमेंट सेक्शन में जाकर अपने सजेशन जरूर बताएं और बताएं हमारा नया लुक आपको कैसा लगा है।